जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है ये मेरा पहला YouTube वीडियो है. मेरा नाम मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती. But हम आपको अपना नाम बता सकते हैं. Guys, my name is Aman. And I'm Hari. And welcome to our channel. You, me, and Bollywood. Yes, guys. So, by the way, happy Diwali to happy all of you. Happy Diwali, guys. Happy Diwali. Yes. And guys, this is our first official YouTube video. Like, we have done it. We have finally done it. Here we are, guys. And today, in this video, we are going to review a movie called Secret Superstar. Babes. Starring Aamir Khan, Zahira Wasim, Maher Vij. आपको इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए. राज अर्जुन. तुम्हारा गिटार लेके आ जरा. तीत शर्मा. Smile. It's happened. And written and directed by Advait, Chandan. और ये की पहली फिल्म है. He's a debutant. और बॉस क्या किया है. स्टोरी पे आते हैं. ये स्टोरी 15 साल की लड़की पर है जिसका नाम इंसिया है और वो वडोदरा में रहती है. प्योर मुस्लिम बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती है और उसे एक सिंगिंग सुपरस्टार बनना है. कहते हैं ट्रेलर में भी देखा होगा आपने, आप लोगों ने, कि हाँ उसे सिंगर बनना है. बट उसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होता है. उसके डैड उसकी मॉम को बहुत मारते पीटते हैं. उस कारण से उसके सपनों में क्या यू नो चेंजेस आता है, वो बन पाती कि नहीं बन पाती है, ये सब जानने के लिए आपको स्टोरी देखना पड़ेगा. पर तो बात आपको मैं बता दूं, ये स्टोरी एक स्टोरी नहीं है. इसमें आपको एक लड़की का ड्रीम जो वो चेस करना चाह रही है, वो सिंगर होना चाह रही है, वो है. एक मदर का स्ट्रगल जो जिसके ऊपर वॉयलेंस हो रहा है, जिसका पति उसको मार रहा है. एक क्यूट रोमांस जो हम लोग को हर सबको हुआ है, चाइल्ड रोमांस मुझे हुआ है, मुझे तो हुआ है, आपको हुआ है और आपको आप सबको भी हुआ होगा. तो स्टोरी में आपको सब कुछ मिलेगा. वो आपको दिवाली का गिफ्ट दिया है डायरेक्टर ने कि बस इसमें सब कुछ है. इसमें आपको ड्रामा है, इमोशंस है, कॉमेडी है. सो आपको जो लेना है. एक्शन नहीं है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ाहिरा वसीम जी. खुद उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत ही अच्छा परफेक्टली प्ले किया है. दंगल के बाद ये उनकी सेकेंड मूवी है एंड एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी काफ़ी उनसे हाई थी और उन्होंने उसे उतने अच्छे तरीके से किया भी है. परफेक्टली अपना कैरेक्टर प्ले किया है. बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने फ्लो में अपना कैरेक्टर प्ले किया. और जो उनके डैड हैं, लाइक बिलीव मी, जब उनके डैड आप कहीं मिलेंगे ये मूवी देखने में, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइक लिटरली आप उस इंसान को पीट दे. इतने अच्छी तरीके से उन्होंने विलेन का जो बहुत अच्छी बात है. उसके बाद हम छोटे एक आर्टिस्ट पे आते हैं जिसका नाम है तीर्थ शर्मा. वो छोटा उनका इंशिया का फ्रेंड का रोल उन्होंने निभाया है. प्लस लव इंटरेस्ट भी वो इंशिया के बने हैं और बहुत अच्छे से ही अगेन प्लेड हिज कैरेक्टर प्रिटी डैम वेल. बट आमिर खान लाइक तुम जैसे टैलेंट बच्चे होते ना, सोडे में इस बबल्स की तरह होते. वो ऐसे ही ऊपर आते अपने आप, उन्हें कोई नहीं रोक सकता. Waiting for him, Aamir Khan, guys, like you wouldn't believe जो comedic timing Aamir Khan जी ने डाली है. I can't believe full hall, hall was jam packed and people were laughing. They were just laughing their stomachs out क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से अपना character play किया. ये movie एक cake है, already बहुत tasty और delicious है और वो cherry है उस cake पे बहुत अच्छी तरीके से. But coming to the real superstar, आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कहानी उस लड़की के बारे में है, 15 साल की लड़की के बारे में. बट नो,
तुम? ये कहानी उनकी मॉम के बारे में है एक्चुअली. She is the real secret superstar, guys. अब कैसे वो जाने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी. बट हाँ, बट वो उन्होंने जो काम किया इससे पहले, वो जो माही विज है, इससे पहले वो आई थी बजरंगी भाईजान में मुन्नी की मुन्नी की मम्मन के, एंड वहां पे भी अगेन शी प्लेड इट वेरी वेल. बट यहाँ पे लंबा रोल था उनका, रोल बहुत लंबा, नॉट जस्ट लंबा रोल, शी इज लाइक जस्ट गो एंड सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू. वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम एक्सप्लेन और एक्सप्रेस दोनों नहीं कर सकते. सो इट्स अ हिडन जेम गाइस, बिलीव मी. एक ड्रॉबैक है मूवी में जिसको मैं बताता हूँ. ड्रॉबैक ये है कि मूवी एक म्यूजिकल मूवी है. Yes. और इट्स नॉट अ ड्रॉबैक कि वही म्यूजिकल नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी, वेट करो. धैर्य धरो गाइस, धैर्य. आप एक ड्रॉबैक है कि मूवी में एक म्यूजिकल होने के बाद भी गाने अच्छे नहीं है. एक या दो गाने को छोड़ दिया जाए तो सारे गाने यूं आते और यूं चल जाते, आपको पता ही नहीं चलता. yes. और आपको गाने का यू नो कोई इमोशन नहीं जग रहा है कि हाँ वो उस टाइम के लिए आपको थोड़ा हो सके आपको अच्छा लगेगा, वो एट अ टाइम जब आप बैठे आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, बट उसके बाद लाइक आप थिएटर से निकलेंगे बस एक ही गाना गाते हुए, वो मैं कौन हूँ, बट उसके अलावा आपके जबान पे एक भी गाना नहीं रहेगा. तो ये अमित त्रिवेदी ने म्यूजिक दिया है, बट यू नो म्यूजिक कुछ खास नहीं, बस एक ड्रॉबैक. हम इस मूवी को रेट करते हैं 4 out of 5. हमारा पहला वीडियो है, प्लीज इसको खूब बहुत सारा लाइक कीजिए. Subscribe to our channel because it is gonna help our channel grow, and please hit that bell notification. Yes. Please hit that icon ताकि आपको पता चले हम next video कब अपनी डालेंगे, अपलोड करेंगे. कल. Yeah, कल. We are gonna be back tomorrow with Golmaal 4.